हेलो एंड वेलकम लर्नर्स, क्या आप जानते हैं इमेजरी क्या है? इमेजरी उस तरह की लैंग्वेज, उस तरह के वर्ड्स को लिटरेचर में कहा जाता है जब राइटर अपने वर्क में उन्हें यूज़ करता है तो कुछ तरह की इमेजेस आपके माइंड में क्रिएट होती हैं। सपोज़ राइटर अगर किसी जगह का नाम लेता है या किसी चीज़ का नाम लेता है तो अगर वो आपने वो पहले देखी है कभी तो आपको उसकी इमेज माइंड में क्रिएट होती है। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको उस वर्क से रिलेट करना होता है ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। कोई भी चीज़ होगी उसके बिट बिट डिटेल्स भी देगा राइटर ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को महसूस कर सकें। तो डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू लैंग्वेज दैट स्टिमुलेट्स द रीडर्स सेंसेस। उस तरह के वर्ड्स जो हमारे सेंसेस को स्टिमुलेट करें उसी को हम लिटरेचर में इमेजरी कहते हैं। अब ये कई तरह से स्टिमुलेट करता है, खुशबू के जरिए भी। कुछ वर्ड खुशबू के रिलेटेड होते हैं, कुछ वर्ड हमारे जो है सेंसेस के, डिफरेंट सेंसेस के रिलेटेड होते हैं, कुछ ऑडियो के रिलेटेड होते हैं, कुछ हमारे विजुअल इमेजरी होती हैं, राइट? सो इन सभी इमेजेस को, इनके जो टाइप्स हैं वो विजुअल है, गस्टेटरी है, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी और टैक्टाइल, राइट? अभी हम इनको देखते हैं, विजुअल कौन से हैं, गस्टेटरी कौन से, ऑल्फैक्टरी और ये सभी क्या क्या करते हैं, किस तरह के वर्ड्स होंगे और उनको किस कैटेगरी में हम डालेंगे। सबसे पहले आता है इसके टाइप्स में विजुअल। विजुअल्स में क्या होता है? राइटर कुछ ऐसे वर्ड्स होगा जिसमें शेप, साइज, कलर्स, पैटर्न्स की बात कर रहा होगा किसी भी थिंग की, किसी भी ऑब्जेक्ट की। ऐसा क्यों? ताकि आपके दिमाग में उसके रिलेटेड इमेज क्रिएट हो, किसी डोर की हो, कोई सोफे की हो, किसी भी चीज़ की हो, राइट? किसी प्लेस की हो, किसी एनिमल की हो, तो आपके दिमाग में अगर आपने वो चीज़ देखी है तो एकदम से आपके दिमाग में इमेज क्रिएट होगी और आप उस वर्क को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस राइटर के साथ, ताकि पूरी तरह से इमेज आपके माइंड में जाए तो एक पूरी क्लियर पिक्चर बने। जो किताबों में चल रहा है ना उसकी पूरी एक पिक्चर आपके माइंड में बने, राइट? तभी जाकर वर्क अच्छे से समझ में आता है। तो तभी इस तरह के लिटरेरी डिवाइस जो है उनकी बिट बिट डिटेल्स भी दी गई होती है। आगे आता है गस्टेटरी। गस्टेटरी उस तरह की लिटरेरी डिवाइस को, उस तरह की इमेजरी को कहते हैं जिसमें स्मेल्स के बारे में कुछ बात की हो, कुछ टेस्ट के बारे में बात, सॉरी स्मेल, टेस्ट के बारे में बात की गई हो, कोई खट्टा, मीठा, साल्टी, हाँ, नमकीन, कुछ भी उस तरह के वर्ड्स हों। तो ऐसा होता क्या है कि जब वो राइटर उस चीज़ की डिटेल देगा आपको, उस चीज़ का बताएगा, वहाँ दिस प्रोडक्ट वाज साल्टी या समथिंग लाइक दैट, सो और बिट ऑफ डिटेल्स भी डालेगा, तो अगर आपने उसी तरह की चीज़ को महसूस किया अपनी ज़िंदगी में, अगर आपने वो प्रोडक्ट भी खाया तो आपको एकदम से वो सेंसेस में स्टिमुलेट होकर आपको फील होने लग जाएगी वैसी चीज़ जो आपने वैसी उस चीज़ को खाते हुए महसूस की थी, एकदम से सेंसेस ट्रिगर करती हैं, ओके, साइकोलॉजिकली। उसके बाद आता है हमारे पास ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इज रिलेटेड टू स्मेल, राइट? नाइस, फ्रेग्रेंस, बैड ओडर्स, ओके, इस तरह की कुछ चीज़ें जो राइटर डिस्क्राइब करे। तो अगर आपने भी वैसा कोई एक्सपीरियंस रहा है उस तरह का, आपका नाइस फ्रेग्रेंस का या बैड ओडर्स का, तो एकदम से आपको भी वो स्मेल सी आने, मतलब एकदम स्टिमुलेट होता है साइकोलॉजिकली, आप फील करने लग जाते हो उस चीज़ को और आप रिलेट कर पाते हो कि उस तरह के करेक्टर को कैसा फील हुआ होगा, राइट? उसके बाद आता है हमारे पास ऑडिटरी। ऑडिटरी क्या है? कुछ म्यूजिक, नॉइस, साइलेंस, इसके रिलेटेड कुछ वर्ड होंगे, ठीक है? तो अगर आपने भी रैप का कोई कहा है तो आपने भी अगर रैप सुनने की शौकीन है या आपने कभी सुना है तो आपको फील होने लग जाएगा किस तरह से उस कैरेक्टर पर वो किस तरह से इसको एंजॉय कर रहा होगा, राइट? क्योंकि अगर आप भी उस चीज़ से वो चीज़ आपने भी अगर सुनी हुई है। उसके बाद आते हैं लास्ट एंड टैक्टाइल। टैक्टाइल क्या होता है? टच और फील को इस तरह की राइटर चीज़ें डिस्क्राइब करता है जिसमें सॉफ्टनेस की, हार्डनेस की किसी चीज़ की बात करेगा लिटरेरी वर्क में। तो अगर हमने भी वो चीज़ें देखी हैं, महसूस की हैं, तो हमें अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कितनी सॉफ्ट और कितनी हार्ड की वो बात कर रहा है। कुछ भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट, इट कुड बी एनीथिंग, राइट? सो ये थी इसकी टाइप्स। और एक बार रिकैप कर लेते हैं, इमेजरी क्या है? इस तरह की लैंग्वेज जो डिफरेंट तरह की इमेजेस क्रिएट करे दिमाग में और हमारे सेंसेस को स्टिमुलेट करे। इसकी टाइप्स कितनी है? 5, विजुअल, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी, टैक्टाइल। अगर आपको ये याद रखने में प्रॉब्लम आती है तो एक ट्रिक है वी गोड। वी गोड से आपको याद रहेगा, वी से विजुअल, जी से गस्टेटरी, ओ से ऑल्फैक्टरी, ए से ऑडिटरी एंड टी से टैक्टाइल। और इस ट्रिक से आप इसकी टाइप्स को याद रख सकते हैं। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो चुकी है इमेजरी। अगर आपको अंडरस्टैंड हो चुकी है तो अपने हिट द लाइक बटन सो दैट आई कुड नो एंड ड्रॉप योर प्रीशियस कमेंट टू। एंड इफ़ यू विश टू गेट दी यू नो अपकमिंग नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द लिटरेरी डिवाइसेस एंड अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज देन यू आर यू नो एडवाइज टू प्रेस द बेल आइकन टू। थैंक यू वेरी मच। मीटिंग यू विद एन अनदर अमेजिंग वीडियो।